जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर अशरफ एंड यू आर वाचिंग एम एफ फैमिली टीवी अपना। अच्छा दोस्तों, मैं आज बात करूंगा जो इलेक्शंस हो रहे हैं कश्मीर में उनके ऊपर। देखें, मैं काफ़ी सालों से देखता हुआ आ रहा हूं कि कश्मीर में जो इलेक्शंस हैं वो बड़ी हाइप होती है। आई थिंक 25 या 26 जुलाई को इलेक्शन है और ये जुलाई का महीना है। तो इसमें जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है भिंबर में, इस वक्त राजा अनवारुल हक है, पता नहीं चौधरी अनवारुल हक है, तो वो खड़ा है और समानी से सोनी खड़ा है। मैं इन लोगों का नाम सुनता हुआ हूँ आज तक, और एक तारिक फारूक है, ये तीन लोगों का नाम मैंने सुना, क्योंकि मैं वहाँ रहा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा इस्लामाबाद में और लाहौर में रहा। लेकिन ये तीन वो लोग हैं जो हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं और तीनों ही बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैंने तो इन्हीं का नाम सुना है, यही मशहूर है, क्योंकि मैं तो जब भी कभी कश्मीर गया हूँ तो इन तीन लोगों का नाम सुना है मैंने, समानी में और भिंबर में। तो बहुत सालों से ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अभी भी यही लड़ रहे हैं, अगले शायद 10 साल बाद भी यही लड़ रहे होंगे। तो कोशिश करें कि आप लोग इन्हें जिताएं, ज़रूर जिताएं, लेकिन आप लोग ऐसा शौर अपने अंदर पैदा करें कि आप इन लोगों से कहें कि अपने फंड्स ये लोग बढ़ा सकें, क्योंकि कश्मीर का जो बजट है वो चंद अरब रुपए है, और इसीलिए वहाँ पे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तरक्की नहीं है। सड़कें हैं वो लोगों ने खुद बनाई हैं, नालियाँ हैं वो लोग खुद बनाते हैं घरों के बाहर, और सीवरेज का निज़ाम कोई है ही नहीं वहाँ कश्मीर में। तो किसी को भी आप जताएं, लेकिन आप कोशिश करें कि यार कम अज़ कम इन लोगों से बोलेंगे भाई अपने फ़ंड बढ़ाओ, ताकि अगर फ़ंड इनको मिलता भी है तो कम अज़ कम वो खर्च हो। मैंने तो जहाँ जहाँ कश्मीर फिरा हूँ मुझे तो कहीं कोई गवर्नमेंट नज़र नहीं आई किसी जगह, ना सड़कों पे, ना कॉलेजेस पे, ना स्कूल्स पे और ना हॉस्पिटल्स में, मुझे तो कहीं भी गवर्नमेंट नज़र नहीं आई। शायद इसी वजह यह है कि कश्मीर का बजट बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि चंद अरब रुपये है मेरे ख्याल में। तो जिस मर्ज़ी को आप इलेक्शन जिताएं, जिस मर्ज़ी को आप वज़ीर आज़म बनाएं, जिसको भी बनाएं, आवाम से मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप उनसे कहें कि भाई आपके फ़ंड्स बढ़ाएं, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन लोगों को इतने फ़ंड दे कम अज़ कम, या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसा कोई निज़ाम रखे, कोई चेक एंड बैलेंस रखे, क्योंकि मुझे कश्मीर में कहीं पर भी तरक्की नज़र नहीं आती। जो भी नज़र आता है मुझे आवाम ने ही नज़र आता है, आवाम का किया हुआ नज़र आता है। कोठियाँ तो आवाम ने बनाई हैं, कॉलेजेस हैं प्राइवेट तो आवाम ने बनाए हैं, स्कूल्स हैं प्राइवेट तो आवाम ने बनाए हैं। तो हो सकता है कश्मीरी गवर्नमेंट भी कोई काम करती हो, लाजमी बात है वो भी करते ही होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ मेरे ख्याल में शायद इनके फंड्स की कमी है इनके पास। तो कश्मीर में आप किसी को भी जिताएं, लेकिन इनके फंड्स बढ़ाने का आप ज़रूर, जब भी कोई आपसे वोट लेने आए तो आप उसे ये कहेंगे भाई हमें कोई मसला नहीं है आपको जिताएं, किसी को भी जिता दें, नून को, शीन को, काफ को, पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, लेकिन जो भी बंदा जीते उसको जाके ये ज़रूर बोलें कि भाई कश्मीर के फंड्स में कम से कम 2 गुना इजाफा होना चाहिए और कोई चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट भी कहीं नज़र आए कश्मीर में। शुक्रिया। क्योंकि जितना मैं इलेक्शंस में देखता हूँ आपको ये लीडर नज़र आते हैं, आम सालों में कहीं पर भी नज़र नहीं आते। तो इनसे पूछा करें कि बाकी 5 साल ये कहाँ होते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा।